कैसे हो तैमूर? तुम? ये औरत नजर आ रही है तुम्हें? बिल्कुल नजर आ रही है। ये अनीला है, आपकी बीवी। ये? क्या आप अपनी बेगम को नहीं पहचानते? कौन पहचानता हूँ, मानता नहीं हूँ। इसी की वजह से मैं यहाँ हूँ आज। क्यों आई हो? तैमूर तुमसे मिलने, तुम्हें देखने। कि मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ? यही ना, ये मुझे मार देना चाहती है, ये मुझे ना इसकी तरह पागल देखना चाहती है। तू औरत पे आवाजें कसता है? आवाज कोई औरत पे कसे या मर्द पे, इनकाउंटर कर देता हूँ। जुबैदा इंतजार कर दे, चलो चलो जा, लेके जाओ। ये काफी दिनों से आपसे मिलना चाह रही थी, लेकिन आपकी तबीयत की वजह से मैंने इन्हें रोका था। चला के इंसान, ये तुम लोग जानते नहीं हो इसे, बहुत तेज है ये, बहुत तेज। मैं तुम लोगों को ना अकम्प्लिसेस के तौर पे मैं तुम लोगों को रिपोर्ट करूंगा, तुम लोगों को जेल कराऊंगा, मैं वर्ल्ड 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 कोर्ट में पहुंचे मेरी। हाँ तैमूर, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, इसीलिए तुमसे मिलने आई। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। Can you take care of this? Yeah. Hello? Anila ji, aap hamare saath aaiye. Mrs. Taimur, the 11th club ka mission hi ye hai ki hum aise hassas logo ko ek bharpoor, khoobsurat aur healthy lifestyle de sake. Lekin 3 maah pehle tak to Taimur ki halat bahut behtar thi. Aap bilkul theek keh rahi hain. लेकिन जैसे डॉक्टर मारिया ने कहा कि मेंटल हॉस्पिटल और हमारे तरीके इलाज में फ़र्क होता है। स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज वक्त मांगता है और ये वक्त डॉक्टर और पेशेंट को मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी करें, कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दें, उन्हें ठीक कर दें, अगर वो जल्दी ठीक ना हुए तो इसमें क्या बताऊँ आपको। आप हमें तैमूर साहब के बारे में सब कुछ बताइए, और जहाँ तक मेडिसिन का ताल्लुक है अनिला जी, वो हम ऐसे लास्ट रिजॉर्ट यूज़ करते हैं जब उसके बगैर गुजारा ना हो, और ना एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, हमें वो भी देखना। तो फिर मैं क्या करूं? मैं आपको बताता हूं। अब आ भी जाओ। आया तो हूं। तू नहीं, और तुम लोग आ जाओ। लंबी बात ना करी, कम बात करी, मसरूफ इनकार हूं, ज्यादा वक्त नहीं होता मेरे पास। एक बार सुन तो लो, सेठ को जो तसव्वुर में नजर आती थी थी नहीं है। है? कहाँ है, कौन है, क्यों है, किधर है? एक हसीना जो उसकी बीवी भी है, नीचे आई बैठी है। इससे भी वही हो गया क्या? वो शुक्रोनीना? आ नहीं नहीं, शेगोडोनिया, स्किज़ोफ्रेनिया। नहीं नहीं, इतनी महंगी बीमारी इससे नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा ऐसे पित निकली होगी, गर्मी दाने या कान के नीचे फोड़ा। अब होंगी 11th क्लब में कार्रवाइयां, दुश्मन द्वार आमने सामने होंगे तो फिर कार्रवाइयां तो लंबी होंगी। कितनी लंबी? इतनी। तो करना क्या है? कुछ भी नहीं, हमारे से क्या लेना देना, काम कर अपना और हमें भी काम करने दे। आ मास्टर, ये सब तो मैंने तैमूर साहब को बहलाने के लिए कह दिया था, लेकिन मैंने आपको बहुत कॉल्स की कि आप आए और उनसे मिल लें। डॉक्टर साहब नहीं आ सकी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं और मेरी बेटी रानिया तैमूर की इस हालत की वजह से किस हालत को पहुंच गई, इसीलिए हमने आपको कल जहमत दी है। आप कल आए और हमारे साथ तैमूर साहब का केस डिटेल से डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं कल आ जाती हूँ। श्योर, मैं आपको कल डॉक्टर परी से भी मिलवा दूंगा, वो तैमूर साहब का केस पर्सनली लुक आफ्टर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।
कौन कौन है? तो उसने तुम्हारे साथ धोखा किया? जिसमें बेतमादी की भूख हो धोखा वही खाता है। मुझे यकीन करना अच्छा लगता। कुछ तो बुरा हुआ है तुम्हारे से। मुझे इश्क रसी हुआ और इश्क सच्चाई है जिसमें बुराई हो नहीं सकती। नूर, तुम जब से यहां आई हो तुम्हें दो बार प्रेग्नेंट हो जाने का वहम हुआ। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हारे तस्वुर में रहने वाले ये दो बच्चे? वो दो बच्चे एक मर्द का वादा है और मर्द छूटा वादा किया नहीं करते। अब इस वहम से बाहर निकलूं? ये उम्मीदें टूट जाती हैं, यकीन नहीं टूटता। मुझे यकीन है वो लौट आएगा, क्योंकि कोई आगोश ना भाएगी उसे मेरी आगोश में आ जाने के बाद। तुम सलमान से शादी करना चाहती हो? ओके, तुम रेस्ट करो, मैं सलमान से रابطہ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी हालत पहले से बेहतर है, इसलिए तुम्हें क्लोज वार्ड से रूम में शिफ्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर परी तुम्हारे साथ सेशंस करेंगे, प्लीज उनसे कोऑपरेट करना। तुम्हारी बेहतरी के लिए उन्हें तुम्हारी मुकम्मल केस हिस्ट्री चाहिए। आशिक पैदाइशी हिस्ट्री शीटर होता है, तुम्हारे डॉक्टर टाइम वेस्ट कर रही अपना। हैव अ गुड डे। कोई आगोश न भाई मुझे तेरी आगोश में आ जाने के। Open it. Take. Welcome to the free world. आज ये बाहर कल तुम अंदर जा सकती हो। Shut up, बहरी। अंधे बहरी कहते हैं मुझे। मैं तुम्हारे साथ क्यों थक रही हो बाशिस दे? Thank you. You're free. पागल लग रहा है। पागल लग रहा है। क्लोज वार्ड जाकर तो आप पर बड़ा रूप आ गया। जिंदा पे नूर आता है मास्टर। कैसे हैं? मैंने बात मिस किया आप। मिस तो हमने भी बहुत किया, लेकिन किसी को बताया नहीं। क्यों? सच्चे आशिकों की बददुआ से बड़ा डर लगता है, बंदा टीरी हो जाता है। हर बंदी पे उसी के स्टाइल में आके लाइन मारते ठट। कहने तो जो कहते हैं, दिल वालों की बातों को दिल पे नहीं लिया कर। तुम्हारा कभी इन दोनों से वास्ता पड़े तो पता चलेगा। लापता है ये, इनके अब तो उन्होंने घुमा दिया है। मैंने गलत तो नहीं कहा ना? बाबा जी आप हमें समझते हैं, बीबी को भी समझाएं। बीबी की चोट पुरानी है, जख्म भर चुका है, कहीं मस्ती में मस्त रहने दो। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मुझे एक लफ्ज नहीं समझ आ। आपके फैन होश में आने दें तब आप हमें समझे ना। वैसे मुझे लगता है इनका शो हमें ब्लैक की टिकट पे ही देखना पड़ेगा। ए! तुम लोग क्या खड़े क्या कर रहे हो? ए क्या होता है वो, एक स्लैंग होता है। बाबा जी दुआ दे दें, घर बसाना है। अल्लाह और दे देगा। ये तो बिजी है, मैं बिल्कुल फारिग हूँ आजकल, आप ही मिल लिया करें। अब मैडम ही तुमसे मिलेंगे, वो भी आजकल फारिग। तुम क्या इन पागलों में बैठ गए हो? चलो
कैसे हो? जैसी बनाई गई बिल्कुल वैसी। क्लोज वार्ड से यहाँ आकर अच्छा लगा? अच्छा बुरा क्या होता है, अब समझ नहीं आता। मजे की बातें करती। कुछ पूछा था तुमसे? यार तुम कभी किसी के माशूक हुए? आशिक हुआ जाता है, माशूक हुआ मतलब? छोड़ो, नहीं समझोगे, तुम आशिक बनाए ही नहीं गए, इसलिए सवाल तुम्हारे लिए नहीं है। अब आते हैं जो तो सवाल तुमने मुझसे किया है कि मैं सलमान से शादी करना चाहती थी, तो उसका जवाब ये है कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें नहीं दूंगी। सिंपल। अच्छा, फिर मैं तुम्हारे बारे में किससे पूछूं? कायनात के सरबस्ता राजों में से है इश्क, और रमज़े इश्क सरेआम कहा नहीं करते। पहले इश्क होता है, फिर पहचान होती है, इन दोनों के बीच अटकी आशिक की जान होती। थोड़ा एलाबोरेट कर। दाम में आए बिना दिल का दाम नहीं बताते, जो सदियों में ना समझ सका कोई, आज ही सिखा दूं तुम्हें। क्यों नहीं, गहराई कुछ भला हो जाए। मेरा जो भला हो रहा है उससे खास से मुतासिर लग रहे हैं आप। बिखरी हुई कहानी है तुम्हारी, एक बार खुद ही सुना दो। मेरी जिंदगी के पुर्जे जोड़कर जो खजाने की तलाश का नक्शा बनाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं मिलने वाला, उसे पाने के लिए मिट्टी होना पड़ता है। मुझे तुम्हारा राज नहीं, बस रिश्ता टूटने की वजह। वजह जान के ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? इंजेक्शन लगा दोगे, दवाइयां बढ़ा दोगे, नर्सें छोड़ दोगे, क्लोज वार्ड में डाल दोगे, कहोगे ओह माय गॉश इट्स अ सीरियस केस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी, अमीरों की बीमारी, मुझ गरीबनी को पता नहीं कैसे लग गए। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई। मैंने तो एक मासूमाना सा सवाल पूछा था। सवाल मुजरिमाना हुआ करते हैं और जवाब मासूमाना। क्या पेश करूं, चाय या कॉफी? खून, किसी दुनियादार के अरमानों का खून। अपना खून कड़वा हो गया, पिया नहीं जाता डॉक्टर। अच्छा दोस्त, फिर मिलेंगे। बिना निकाह के मर्द और औरत दोस्त नहीं हो सकते। उनमें से मिलना है। ओके, आई विल सी टू। थैंक यू। अच्छा कि आप आ गए। नूर अब ठीक है, लेकिन आउट ऑफ वर्ल्ड बातें कर रही है। वो शुरू से ऐसी थी। बाप की वफात के बाद और सलमान से मुलाकात के बाद मार्फत बोलती थी, शायद बहुत पढ़ती थी, लेकिन मेरी बेटी स्टाइलिश और खुशबाश थी। उसने तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पीएचडी भी की थी और इदारा भी बना लिया था अपना। कल तक ऑफिस तैयार हो जाना चाहिए, मैं अम्मी से ओपनिंग करवा के सेमिनार पे निकल जाऊंगी। ओके, थैंक यू इमरान साहब, थैंक यू सो मच। है ना, अब क्या हो रहा है? इंडस्ट्री डूब रही है, लोग कारोबारी इदारे तोड़ के शादी हॉल बना रहे हैं, आबादी बढ़ाने पे जोर है, कोई कारखाना नहीं बनाना चाह रहा। सो इसलिए सिक इंडस्ट्रियल यूनिट का इलाज करना है, उसे जिंदा रखना है। तो इंडस्ट्री लगाएगी मेरी बेटी? किंग से ताकतवर होता है किंग मेकर, सरमायादार को सनतकार बनाएगी मेरी कंपनी। और वो जो तुम्हारे बाप की गुड्स कंपनी है, बेस्ट, सोचने भी नहीं दूंगी। अच्छा खासा तो रन कर रही है, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, अब नहीं, अब मुझसे नहीं होता बेटा, मैं बूढ़ी होती जा रही। एज इज जस्ट अ नंबर माँ, बूढ़ी हो रही है तुम्हारी माँ। मेरी माँ हो के बूढ़ी कभी नहीं हो सकती, आखिरी दांत तक हम काम करेंगे, आप भी और मैं भी। और रिसर्च के मुताबिक आप जितना काम करते हैं आपका दिमाग आपका जिस्म जवान रहता है, ट्रस्ट मी आई एम नॉट लाइंग। मेरी नूर रोशनी फैलाएगी, आपकी नूर बहुत अंधेरा है माँ। और फिर रोशनी फैलाती भी वो एक दिन खुद,
अंधेरों में जा डूब। नूर और सलमान की शादी तय हो गई थी, होने जा रही थी। मसला सलमान की तरफ से था, दोनों के बीच क्या था मुझे नूर ने आज तक नहीं बताया। सलमान आया था ना, तुम उससे पूछ लेते। आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, इन द मीनवाइल आप नूर के साथ कुछ वक्त गुजारे। वो मुझे अजनबी समझती है और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। दरअसल नूर अपनी बीमारी के ट्रांस में थे, अब वो ऐसा नहीं करेंगे। आपको याद कर रही थी, इंशाल्लाह अब उसका रवैया आपके साथ ठीक हो। जाएं जाके मिलें उससे। हाँ। क्या हो गया था मुझे, वाकई भूल गई थी तुम? सब मेरे बच्चे के दुश्मन हैं। छज्जू और शामी को कोई मार देगा मुझे डर लगता था। अब तो नहीं है ना तुम्हें पहले जैसा कोई वह? जो हकीकत जैसा हुआ उसमें मेरी मर्जी थी, एक तो आज होती बात है। क्यों नहीं रोती? अब तुम मुझे भूलना चाहना। अम्मी वो कपड़े हैं ना रखे आपने संभाल के? कौन? सलमान के। हाँ हाँ हाँ, वो तो क्या धो दी, फेंक दी, किसी को दे? नहीं 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 नहीं, वैसे ही रखी हुई है जैसे तुम उन्हें छोड़कर यहाँ आई थी। मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए, अभी लेकर आए। ठीक है, मैं ड्राइवर को अभी। आपको जाएंगी जैसे मैंने पैक करके उनको रखा है, मुझे वैसे ही चाहिए, ज्यादा हाथ नहीं लगने चाहिए। ठीक है, वो स्टोर खुलवाना पड़ेगा, मुझे एक दिन की मोहलत दे दो। ओके कर लिया, आएंगे ना। ले आऊंगी। बैंड मास्टर, आग लगी, आग। क्या कर रहे हो? पता करती हूँ, आप प्लीज अंदर चले, मैं मेडिसिन लेके आती। आप घर जाइए, बहुत देर हो गई आपको। मुझे पता करके बताओ ये सब कैसे हुआ है। प्लीज आप चले, मैं पता करूं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेराम। वर्ल्ड साहब को पहले भी ऐसे दो चार दफा अटैक्स हो चुके हैं। मखनू को पता नहीं क्यों अब कि हमेशा इसी तरह होता है, ये आग की वजह से हुआ है सब कुछ? यस। ओके, वी विल फिगर इट आउट। आई थिंक सो, हमें सबको अंदर लेके जाना चाहिए इसी एरिया में। ये आग तूने लगाई थी ना? पहले अंदर वाली तो बुझा लूं जिसमें आज तक जल रहा हूँ, कोई नई आग भी लगा लूंगा। लेकिन तू हमसे पहले वहां कमरे में क्या कर रहा था? सेठ को बचा रहा था। तुम्हारा चेहरा तो कुछ और बता रहा था। मैं तुम दोनों को जवाब दे नहीं हूं, तू कहना था कह दिया, आगे पूछोगे तो। तू छोड़ सेठ को, तू ये बता तू अपनी से छतराल क्यों करता है? ऐसे ऐसे साइको अक्सर ये सवाल पूछते हैं। अब इतनी जोर से घूरेगा तो आप तो अंदर हो जाएगी ना, उनका तो वैसे भी नाजुक होता है ना, माहौल खुश रखे। उस्ताद बैंड मास्टर, मौके वारदात पे ज्योतियां छोड़ के भाग जाते हैं, अंदर डॉक्टर को भी दौरा पड़ गया है, हमारा तो इलाज भी नफसियाती मरीज ही कर रहे हैं। ये ना हो कि बेहतरी की बजाय कोई फोतगी हो जाए, निकले यहां से। बात तो तेरी ठीक है, लेकिन जाएंगे कहाँ? कोई ठिकाना ही नहीं है, यहीं रह लेते हैं। मर भी लवे मौला तो
लेकिन कहां तक? हम थक गए हो, गिरोगे, सजा मिलेगी, सजा मिल तो गई। पता नहीं कब से इस आग में जल रहा हूं मैं, अभी तुझे और जलना है बहराम। एक ही शोले से घबरा गए, अभी इस आग को और भड़क रहा है तुम्हें। अब तुझे कह रहा हूं जलाओ, और जलाओ मुझे। किस बात का डर है मुझे? डर है, डर है तुझे मौत का। मर गया मैं भी और मेरा डर भी। सिर्फ बाकी दिन बचे, ये तो चैन से जी ले मुझे। इतनी डटाई से जी रहा है तू जिंदगी, थोड़ी सी भी शर्म होती है ना तो खुद को शूट कर देते तुम। ऐ मेरे अजीम व शान अल्लाह रब्बे ज़ुल्जलाल, आज मैंने बहराम को बहुत तकलीफ और कर पे देखा, लेकिन वो आपका बंदा है, आपकी मखलूक की खिदमत की ड्यूटी में लगा रहा है। या अल्लाह या अरहमुर रहीमीन, उस पर रहम कीजिए। आमीन। आज तो नहीं बचेगा बहराम, आज से बचेगा। सर। यस सर, आप ठीक हैं? या एवरीथिंग इज ओके। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो आपके कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। नो, व्हाई आर यू स्टिल इन यूनिफॉर्म? ड्यूटी टाइम तो खत्म हो गए। मैं वो चेंज करने जा रही थी, लेकिन सर वो आवाजें बहुत खतरनाक थी। ओह एक्चुअली आई वाज वाचिंग दिस एक्शन मूवी, वॉल्यूम थोड़ा लाउड था, आई विल टर्न इट डाउन। सर आप ठीक है ना? या नो फाइन, ओके श्योर। या गो ऑन, गुड नाइट। गुड नाइट। आप तो रात को जल्दी सो गए, मैं देर तक जागती रही। खैरियत? परी की वजह से काफी परेशान हो, पूरी रात वो इबादत करती रही और किसी लड़के के लिए गिड़गिड़ाकर तोहफे मांगती रही। वो लड़का तुम्हारे सामने खड़ा है? मैं सीरियस हूँ, मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी उम्र है मजाक करने वाली? अगर अल्लाह के किसी बंदे के लिए परी दुआ कर रही थी तो उसमें मसला क्या है? हाँ लेकिन मैं उस लड़के का नाम नहीं सुन सकी। देखो नाया बेगम, अल्लाह और उसके बंदे के राज उन्हें आस पर कान लगाना छोड़ दो। हमारी बच्ची नेक है, वो जिसे पसंद कर देगी हमें बता देगी, वरना इस बात को भूल जाओ। जब से उसने पागलखाने में जॉब स्टार्ट की है ना, आपने नोट की, वो बहुत बदल गई है। जी नहीं। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई नफ्सियाती मसला नहीं है नायला बेगम। Go on, relax आले। We need to discuss this ASCP because this is very very important. But Assalamualaikum. We're extremely sorry, एक सेशन में हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। प्लीज आइए बैठे। Really sorry to bother you again. ना चाहते हुए भी इतनी बातें कर चुके हैं हम, but we'll continue. आप बता रही थी कि सलमान की बहन रिश्ता करने आई थी और सलमान उन्हें खुद लेकर आया था, तो मेरी शादी क्यों नहीं हुई? शादी ना करने की वजह बहुत रिवायती और आम सी थी, लेकिन मेरी बेटी के बारे में जो कहा गया
वो मुझे बहुत बुरा लगा। आज नहीं भूल रही हूँ मैं। नूर एक नफ्सियाती मरीजा है, उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, यह आपके लिए खबर तो नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी कह रही ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। तुम मुझसे कैसे बर्दाश्त होगा? हाँ, सलमान को मां बनकर पाला है मैंने, कोई कमी नहीं है मुझ में, लेकिन उसकी तरबियत और मोहब्बत में कमी ना रह जाए, इसी मिशन को लेकर आज तक मैंने शादी नहीं। और दूसरी बात, मैं सलमान का रिश्ता एक बहुत वेल ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट और क्लासी फैमिली में करना चाहती हूँ। आई नो आप समझ रही हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। नूर को कैसे समझाओ, जज्बाती है वो, उसने आज तक सलमान के अलावा किसी और का नाम नहीं लिया। शरीफ लड़की है, अच्छा है, खुशी की बात है, लेकिन इस खुशी में मैं अपना घर नहीं डुबो सकती। टेक केयर ऑफ योर डॉटर। साई, सलमान, लेट्स गो। नहीं जल्दी, कहाँ? ऑफिस में इमरजेंसी है। खाना तो खा के जाइए। लेकिन चलो खाना तो। सलमान और नूर के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं थे। सलमान की कोई मुतनाज़ा मंगनी का किस्सा था और वो। हाय। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रही है तो मैं बाहर वेट कर लेता हूँ। नहीं, इंतज़ार तो हम आपका कर रहे हैं। आइए प्लीज़ बैठिए, बहुत कुछ डिस्कस करने को है। आइए। हम नूर को ये यकीन दिलाएंगे कि अब सलमान उसकी जिंदगी से जा चुका है। लाइफ गोज ऑन और गो विद द फ्लो टाइप बातें करके और मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस क्रिएट करके नूर को रिलेशनशिप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से निकालने के लिए हम सबको एक पेज पर आना पड़ेगा, ताकि जल्द से जल्द हम नूर को नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटाने में उसकी मदद कर सकें। और इस सिलसिले में सलमान हमारे लिए नेमत है। मैंने आपसे कहा था मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं तामन करूं। लेकिन उससे पहले शादी ना होने की वजूहत, नूर का मेंटल हॉस्पिटल आना और फिर यहाँ आ जाना, बीच में कुछ ना कुछ मिसिंग है। हाँ है तो सही, मेरी और नूर की शादी ना हो सके, मैं नाखुश और बेसकून, जबकि नूर नीम पागल हो चुकी है। अब क्या छुपाना? मेरी जिंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जो किरण जी ने पूरी ना की हो। माँ, बाप, बहन, भाई, दोस्त सब हैं वो, लेकिन मेरी मोहब्बत नूर की सबसे बड़ी दुश्मन है। और मेरी मोहब्बत नूर उनकी दुश्मन है। आप तो मान गई थी और खुद उनके घर गई। सलमान, तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? कितनी बार तुम्हें कहूं, हद से ज्यादा प्यार करती हूँ तुमसे, ये कड़वा घूंट मैंने सिर्फ तुम्हारी जिद से मजबूर होकर। ओके। अगर कड़वा घूंट भर ही लिया था तो फिर रिश्ते से इनकार क्यों किया? उसे देखकर, उसे मिलकर, एक नीम पागल लड़की से मोहब्बत करते हुए मैं जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि इस खानदान की नस्ल तुमसे चलेगी? नूर के मुंह पर गॉन केस लिखा जो तुम पढ़ना नहीं चाहते हो। ऐसा नहीं है,
वो पीएचडी है, मुझे नूर पसंद है और मैं उसे ओसीडी है। नूर नामी लड़की से जिसे तुम मोहब्बत करते हो, उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। किरण जी बस, मैंने कह दिया है भूल जाओ उसे। तुम्हारी शादी मैं एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली अमीन तानिया से करूंगी। तानिया की मम्मी आपको रूंचे पसंद नहीं करती, हमसे रिश्ता तोड़ चुकी हैं। चंद दिनों की बात है, उसकी माँ कैंसर के लास्ट स्टेजेस में है, चंद दिनों की मेहमान है वो, थोड़ा सा इंतजार कर लो। और उसके बाद जानते हो क्या होगा, हमारा कर्जा माफ हो जाएगा, पेपर फैक्ट्री हमें वापस मिल जाएगी। और ये सब मुझे तानिया से शादी करके मिल जाएगा, लेकिन कैसे समझाऊं नूर, नूर मेरे बगैर मर जाएगी, वो नहीं रह सकती, उसे मेरी जरूरत है। उससे एक डॉक्टर की जरूरत है। इश्क का खुमार मुझ पर बढ़ने लगा है, उनकी निगाहों को दिल ये पढ़ने लगा है, ना दिन में कोई चैन है ना शब को करार है। सब कहते हैं दीवानगी है, मैं कहती मैं तो हुई तेरी तेरी जोगनिया, मैं तो हुई तेरी तेरी जोगनिया, मैं तो हुई तेरी, मैं तो हुई तेरी जोगनिया। बेटा रात को बाबा के कमरे से आप कुछ चाहिए था? मैं रात को देर से आऊंगी। मुझे कुछ कहना है तुमसे। बात सुनो मेरी, क्या तरीका है? किरण जी हमारी कॉमन फ्रेंड से इन टच थी, उन्होंने तुम्हारे बारे में उनसे बहुत कुछ कहा। लाइन में लगा के गोली मार दी। वही दीवानगी, वही पागलपन, होश में आओ। आज मेरी एंगेजमेंट है और तुम्हारा ये इमोशनल एटीट्यूड ही इनकार की वजह है। इनकार माय फॉल्ट, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ क्यों छोड़ू, क्या तभी चाहिए थी तुम्हारे और मेरे बीच में ना। मेरी बहन ने मेरी खातिर अपना घर नहीं बसाया, शादी कर रखी उसने पैसे से, तुम्हें भी दौलत के साथ ब्याहना चाहती। देखो तुम, देखो अब तुम देखो कि मैं क्या करती। Thank you.
थैंक्स फॉर कमिंग. कम ऑन यार, भाई है तो मेरा. काफी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी मुझे आज. ओह रियली तानिया, व्हाई यू स्टैंडिंग हियर? जाके सलमान के पास खड़ी हो ना. ही इज बिजी विद हिज फ्रेंड. सो व्हाट, डजंट मैटर, जस्ट गो अहेड. Hi. I hope I'm not bothering you. Not at all. What's up? Do you believe in arranged marriage? I don't believe in marriage. But somehow, now I do. तो फिर रोको किरणजी को. ये हम क्या कर रहे हैं? Such a waste of time. काश मैंने रोक सकता हूँ. और काश मैं तेरी बकवास रोक सकता. आदत है इसे. हर खुशी के मौके पे कोई घटिया बात करने की. तुम कब तक इसको बचाते रहोगे? जिस दिन इसने कुछ गलत किया साथ तुम भी मारे जाओगे. Oh please, don't say like that. जिंदगी बहुत खूबसूरत है. क्योंकि मैं ग्रीन हूं.